नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com पे खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों का शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं, अगर संभव हो सके तो आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि आप हमारी थोड़ी सी आर्थिक मदद भी करें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं अपने तमाम दर्शकों को कि आज से तकरीबन कुछ महीने पहले 12 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वक्तव्य। ये वक्तव्य उस वक्त का है जब राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता कैम्ब्रिज में थे और उन्होंने भारत के लोकतंत्र को लेकर एक टिप्पणी की थी। उसके संदर्भ में देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि राहुल इंसल्टेड इंडिया, इंडियंस इंक्लूडिंग कनाडा। यानी उस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर चिंतित थे कि राहुल गांधी ने विदेश की जमीन पर भारत ने इंडिया का अपमान किया है, इंडिया का अपमान किया है। और अब हम फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं सितंबर के महीने में जो भारतीय जनता पार्टी और उनकी केंद्रीय कैबिनेट और उनके तमाम नेता अब इंडिया को किस नजर से देख रहे हैं, यह जानना बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी पार्टी के नेता है गिरिराज सिंह, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं। उनका कहना है इंडिया के संदर्भ में गुलामी की निशानियों को मिटा देना चाहिए। क्यों कह रहे हैं यह बता देता हूं, फिर बाकी हम नेताओं के बयान आपको बताएंगे। दरअसल सरकार की तरफ से भी यह लगभग तय हो गया है और इस बात को आज ये बात आज उजागर हुई है कि 9 सितंबर को जो G20 है उसकी जो डिनर के लिए राष्ट्रपति की तरफ से जो आमंत्रण दिया गया है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। और उसके बाद देश की राजनीति में एक तूफान आया, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि क्या संविधान में बदलाव के बगैर आप देश का नाम बदल सकते हैं, या वाकई केंद्र सरकार देश का नाम बदलना चाहती है। उसके संदर्भ में गिरिराज सिंह के बयान को अगर आप देखें तो गिरिराज सिंह का कहना है ये गुलामियों की निशानियों को मिटा देना चाहिए, यानी इंडिया शब्द जो है वो गुलामी की निशानी है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि गुलामी की मानसिकता पर एक और गहरी चोट, यानी जो लोग इंडिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो गुलामी की मानसिकता है और उस पर एक गहरी चोट सरकार की तरफ से की गई है। धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्र में पावरफुल मिनिस्टर माने जाते हैं, ये औपनिवेशिक मानसिकता है। इसके साथ साथ सुशील मोदी जो बिहार में डिप्टी सीएम रहे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, इंडिया नाम विदेशियों ने दिया था। अब या तो प्रधानमंत्री का जो मार्च के महीने में दिया गया बयान सच है कि राहुल गांधी ने भारत नहीं बल्कि इंडिया का अपमान किया है। क्या प्रधानमंत्री जब उस वक्त बात कह रहे थे तो उनको यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि दरअसल इंडिया शब्द गुलामी की मानसिकता का प्रतीक है? और अगर थी तो उन्होंने इंडिया शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? 4 महीने के अंतर्गत ऐसा क्या हो गया कि अब वही शब्द भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, कैबिनेट मिनिस्टर्स को गुलामी की मानसिकता की बात लगती है, गुलामी का प्रतीक लगती है, औपनिवेशिकता यानी कॉलोनियल माइंडसेट लगती है? क्या कुछ बदला है इस दौरान? और अगर प्रधानमंत्री की बात सच है, क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, क्योंकि उनके प्रवक्ता अभी भी गोलमोल बातें कर रहे हैं जब उनसे पूछा जा रहा है क्या आप इंडिया शब्द का को बदलकर भारत शब्द करना चाहते हैं, तो उसको गोलमोल तरीके से अलग कर देते हैं। लेकिन अगर सरकार की तरफ से यह तय हुआ कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत होगा, प्रधानमंत्री भी यही कहेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, तो एक बड़ा बदलाव है। उस संदर्भ में यह बदलाव और इंपॉर्टेंट हो जाता है जब उनके अपने कैबिनेट मिनिस्टर, उनके अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता इंडिया शब्द के इस्तेमाल को लेकर उसको गुलामी की मानसिकता से जोड़ने की कोशिश करते हैं। यह बदलाव क्यों है और क्यों ना माना जाए प्रधानमंत्री के बयान के संदर्भ में कि दरअसल उनकी अपनी कैबिनेट मिनिस्टर्स, उनके अपने वरिष्ठ नेता इस वक्त इंडिया का अपमान कर रहे हैं जिस तरीके से राहुल गांधी ने मार्च के महीने में इंडिया का अपमान किया था? क्यों हो रहा है ये सब? इसके पीछे की राजनीति क्या है?
बात करेंगे हमारे साथ कुछ वरिष्ठ इस वक्त लोग हैं, उनका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ लंदन से मौजूद है नरेश कौशिक, बहुत लंबी इनिंग्स उन्होंने बीबीसी के साथ खेली। विनोद शर्मा जी हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर, राकेश सिन्हा सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, साथ ही साथ दिल्ली हाई कोर्ट में भी वकालत करते हैं। विजय त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नरेश कौशिक जी, क्या आपको यह बात समझ में आ रही है जो बात अब इंडिया के संदर्भ में कही जा रही है, खासतौर जो कैबिनेट मिनिस्टर्स कह रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा मुझे कि इस समय जबकि एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन T20 को जो है जो भारत उसको लीड कर रहा है, उसको होस्ट कर रहा है, उसके इनविटेशन में अचानक भारत ये क्यों आपने डाल दिया, ये मेरे समझ में नहीं आता। क्योंकि ये इस समय पूरा फोकस जो है, जो ये सम्मेलन हो रहा है वो G20 पर होना चाहिए, जिसमें जिसमें इस तरह का व्यवधान, अब घरेलू राजनीति अचानक एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है उस पर हावी हो जाए, ये मैं नहीं समझता कि किसी भी सरकार के लिए कोई बहुत अच्छी बात है। तो मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस समय उन्होंने ये क्यों किया है। किसी भी सरकार को, किसी भी देश को अपना नाम बदलने का हक है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, भारत में भी उदाहरण है जो राज्यों के नाम हम, शहरों के नाम हम बदलते रहे हैं। लेकिन इस समय जो ये करना है ये अभी तक मेरे समझ में नहीं आ रहा। इसके पीछे जाहिर है कि राजनीति है, और जो राजनीति है वो भी एकदम दो, जैसे भारत में हर चीज दो तरह की है, या तो एंटी बीजेपी या प्रो बीजेपी, या प्रो मोदी या प्रो एंटी मोदी। इसी तरह से ये भी ऐसा ही हुआ है कि जैसे लगता है कि इन्होंने एक बीजेपी ने जानबूझकर एक तार, एक जो है आपने एक दांव फेंका, और सारे ओपोजिशन के लोग, क्योंकि ये बीजेपी ने कहा है तो इसका विरोध होना चाहिए, और अचानक सब एक साथ इसके विरोध में आ गए। और यही मुझे लगता है कि बीजेपी के नेता चाहते होंगे, क्योंकि जिस तरह से कोऑर्डिनेटेड ढंग से बयान आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये, मेरे विचार से अगर ये इनको करना था तो ये इस G20 के बाद में किसी भारत के किसी बड़े फंक्शन के समय आप कर सकते थे। इस समय करना तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। और अगर ये राजनीति ये कर रहे हैं तो इसका क्या इनको लाभ होगा, क्योंकि जब विदेशी मेहमान यहाँ होंगे और उस समय आपका ध्यान अगर घरेलू राजनीति पर होगा तो विदेशी मेहमानों के सामने आपकी क्या छवि होगी, क्या साख होगी। तो मुझे थोड़ा सा ये मामला समझ में नहीं आ रहा है। नरेश कौशिक जी, लंदन में आप हैं, बीबीसी लंबे समय तक आप रहे हैं, वहां पर भारत को इंडिया के नाम से जाना जाता है या भारत के नाम से जाना जाता? देखिए, सबसे पहले तो जो इंडिया हाउस है वहां, जो कि इंडिया का उच्चायोग है, इंडियन हाई कमीशन है, वहां पर अंग्रेजी में इंडिया हाउस है और भारत भवन हिंदी में है। लेकिन यहाँ तो सब लोग तो इंडिया के नाम से जानते हैं ना। हम लोग भी आपस में जब अंग्रेजी में बात करते हैं तो हम इंडिया कहते हैं, अंग्रेजी में तो हम भारत नहीं कहते, हिंदी में जब बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे मुंह से भारत ही निकलता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा इस समय, मैं बार बार जो G20 की बात कर रहा हूँ, इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत मेजबानी कर रहा है उसकी, ऐसे समय आप जो हैं लोगों का ध्यान भटका रहे हैं और विदेशी मेहमानों को आप एक तरह से दिग्भ्रमित कर देंगे इस तरह से। तो ये मैं नहीं समझता कि इससे कोई बहुत अच्छी छवि भारत की आने वाली है। और आपका पूरा फोकस जो है ये कैसे सफलता से इसका आयोजन हो उस पर होना चाहिए था, जबकि ये मुद्दा एकदम भटक गया है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।